व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एक क्वेश्चन आया है आप लोगों की तरफ से, क्या 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या अगर हम 2 डिग्री हमारे पास होगी तो क्या उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इस पर बात करेंगे दोस्तों। क्या सैलरीज में फ़र्क आ जाएगा, इस पर बात करेंगे दोस्तों। और जब आप जॉब लेने जाते हो तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे। बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में हम जब भी लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को जो टॉपिक सेट की एक चीज़ बता देता हूँ। कल हमने वीडियो बनाया था कि जो इंडिया का मंगलयान जो लॉन्च हुआ था उसकी कीमत 450 करोड़ रुपए की थी, और नासा का जो मेवन जो कि नासा का मंगलयान आप इसको कह सकते हैं, उसकी कीमत 4000 करोड़ से ज़्यादा क्यों थी। क्योंकि अभी अक्षय कुमार की मिशन मंगल आ रही है तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए इसी टॉपिक पे, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना आप लोगों को एक पूरा डिफरेंस बताया जाए आसान भाषा में तो आप समझ पाए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक ज़रूर करना। तो खैर अब टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि क्या 2 डिग्री एक साथ की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, बट वो दोनों डिग्रीज जो है मतलब रेगुलर से नहीं होनी चाहिए। एक रेगुलर से कर लो, एक कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो, बिल्कुल परफेक्ट है, कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि दोनों डिग्रीज का लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने एक डिग्री अंडर ग्रेजुएशन वाली कर ली, एक मास्टर्स में आप चले गए, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम्स अलग होते हैं तो ये फ़र्क आएगा, राइट। ऐसा नहीं कि एक बीए कर ली, एक एमकॉम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप दोनों डिग्रीज जो है एक कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको मौका देते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में दोनों डिग्रीज अगर आप एक ही कॉलेज से कर रहे हो, यानी कि अगर बीए भी आप एक कॉलेज से कर रहे हो रेगुलर से, और बीकॉम जो है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता जनरल केसेस में। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये तो फंडा था डिग्री का, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या 2 डिग्रीज होने से सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोच है कि हाँ जितनी ज़्यादा डिग्रीज होगी उतनी ज़्यादा तनख्वाह लगेगी, उतनी ज़्यादा सैलरीज मिलेगी। मुझे मैं इस पर कम्प्लीटली एग्री नहीं करता। आप कौन सी डिग्री ले रहे हैं उसका रेलेवेंस क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। आपने एक तरफ बीकॉम की डिग्री ले ली, दूसरी तरफ आपने बीए की डिग्री ले ली, दोनों का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, दोनों चीज़ें ही अलग अलग है। तो आपको लगता है उसमें आपको फ़ायदा होगा? नहीं होगा। हाँ अगर आपके पास बीए होती उसके बाद आपके पास एमए होती वो भी सेम सब्जेक्ट में, क्योंकि बीए भी बहुत सारे तरीके में होता है, या फिर जो भी डिग्री ले रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में हो सकती है ना, तो उसी की आपके पास कंटिन्यूएशन की डिग्री होगी तो उसमें आपको ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी सेम सब्जेक्ट की। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो यहाँ से उन्होंने बीकॉम कर लिया, फिर उनके दिमाग में किसी ने डाला कि भाई बीबीए कर ले तो उन्होंने बीबीए कर लिया, या किसी ने कहा कि नर्सिंग में पैसा है उस पर चला जा, नर्सिंग कर लिया। तो ऐसे अगर आप बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी करते जाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी जो डिपेंड करती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी कि जॉब के लिए जा रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। आपकी जॉब पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे आपकी जॉब लगेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काम क्या होने वाला है वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सैलरीज में बहुत बड़ा रोल पैदा करता है, डिफरेंस पैदा करता है, वो ये है कि आपने वो डिग्री कहाँ से ली है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इंडिया में कि आज भी अगर आपने बड़े अच्छे कॉलेजेस से, रेपुटेशन वाले कॉलेजेस से ली है डिग्री, तो आपकी सैलरीज आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वो कंपनीज आती है जो अच्छी सैलरीज पे स्टूडेंट्स को उठाती है, वहाँ अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, चाहे आप MBA कर लो, चाहे आप MTech BTech कर लो, या फिर BBA BCom कर लो, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको यह सैलरीज जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। वहीं अगर आपका कॉलेजेस की इतनी रेपुटेशन नहीं है तो वहाँ आपको थोड़ा इनिशियल लेवल्स पे आपको थोड़ा सैलरी में अंतर दिख सकता है। बाकी कोई उदास होने वाली बात नहीं है। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, जब आप काम करने जाओगे, तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बाद में आपके काम आती है, वो है कि आपको एक्सपीरियंस क्या है, कितना काम आप जानते हो। अगर आप काम अच्छे से जानते हो तो आपको बाद में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यार, आप बाद में आपको अच्छे आप काम कर जाओगे। तो मेरा दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह डिग्री इकट्ठा करने में मत फिरो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, डिग्री क्यों ले रहे हो, आपकी क्यों काम आएगी। पढ़ाई बेकार नहीं होती, बट जब आप पढ़ाई को सिर्फ पैसा कमाने का साधन सोचते हो कि इस पढ़ाई को करके मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। पढ़ाई को समझ के करो, चीज़ों को सीखो, स्किल्स को सीखो,
जॉब आपको अपने आप मिल जाएगी। अगर जॉब नहीं भी मिली ना तो आप अपने लिए जॉब खुद बना लोगे, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप हमारा चैनल चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।